तो रास्ते में क्या हुआ, अचानक ही हमारी स्कूटी बंद पड़ गई और अभी ऑन नहीं हो रही है वो स्कूटी। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। जहाँ लास्ट वीडियो खत्म करी थी वहीं से शुरू कर रहे हैं। तो कहाँ घूमने जा रहे हैं अभी हम? क्लिंकिंग बीच। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से जा रहे हैं क्लिंकिंग बीच। जो आज हमारी लिस्ट में है, मेन है, वो है डायमंड बीच, क्लिंकिंग बीच एंड ब्रोकन बीच। ये तीनों मेन है और बाकी टाइम मिला तो बाकी जगह भी हम देखने जाएंगे। पहले निकलते हैं क्लिंकिंग बीच के लिए, चलो। तो आप देख ही सकते हैं नूसा पैनिदा के रास्ते कितने खूबसूरत है। हमारे कैमरा मैन दिखाइए वहाँ पे क्या है। वेलकम टू क्लिंकिंग बीच। आयो चलो। पार्किंग में हमने बाइक वगैरह खड़ी कर दी है। पार्किंग के जो चार्ज है वो है 5,000 रुपए, जो कि होते हैं अराउंड 25 रुपए। अब हम अंदर जा रहे हैं, मैं आपको एंट्रेंस दिखाता हूँ। अंदर जाके देखते हैं कि बीच की कोई टिकट है या नहीं है। लेट्स सी यहाँ से कितनी दूर पड़ता है। अभी बहुत ही अमेजिंग व्यू देखा मैंने, मैं आपको दिखाता हूँ क्या बेहतरीन व्यू आ रहा है यहाँ से। पीछे की तरफ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई फेक सा व्यू होता है, बट एकदम ओरिजिनल है। कोई कलर एडिटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू आ रहा है। सामने की तरफ आप देख सकते हैं कैसे लाइन वगैरह लगी है फोटोज़ वगैरह क्लिक करवाने के लिए। अब यहाँ आराम से बैठ के ऐसे फोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं। और देखिए कुछ इस तरीके का व्यू है यहाँ से। और अगर आप फोटो से डन हो चुके हैं तो ये नीचे की तरफ जो रास्ता है वो ट्रैकिंग के लिए जा रहा है। आप बिल्कुल जो नीचे बीच है ना वहाँ पे जा सकते हैं। अराउंड 45 मिनट से 1 आवर भी लग सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर स्पीड, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी खतरनाक है। यहाँ पे वार्निंग्स वगैरह भी लिखी हुई हैं, अगर आप चाहें तो नीचे जा सकते हैं। आप देख ही सकते हैं किस प्रकार का ये रास्ता है। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं ये रास्ता और भी मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हमने वापस जाना ही मुनासिब समझा ताकि हम बाकी जगह भी कवर कर पाएँ एक दिन के अंदर। तो एक और इन्फॉर्मेशन, इस जगह को क्लिंकिंग बीच बोला जाता है और साथ ही साथ इसको टीरेक्स आइलैंड भी बोला जाता है, क्योंकि वो जो मैंने आपको जगह अभी दिखाई वो लुकली कैसे लगता है कि टीरेक्स बैठा हुआ है। अगर मैं कुछ फोटो डालूंगा, किसी ने एडिट करा था, लग रहा था कि लाइक एकदम पूरा टीरेक्स ही वहाँ पे बैठा हुआ है। तो फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। एक तो इतनी धूप में खड़े पूरी शक्ल देखो कैसे टैन हो चुकी है, बट मैं क्या कहूँ यार, इतना सुंदर यहाँ का व्यू है, वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा, दिल कर रहा बस यहीं खड़े रहे। अभी हमें 2 जगह और कवर करनी है, बट कोई नहीं, एंजॉय कर रहे। देखो पूरे कैसे काले हो गए, फुल टैनिंग। डोंट केयर, एंजॉय द व्यू। पे आने के लिए कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ पार्किंग फी आपको पे करनी जो है 5,000 रुपए। अब हमने, आपने देखा कितनी भीड़ है, जैसे तैसे करके कुछ फोटोज क्लिक करिए, उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। और बाकी हम चलते हैं, कहाँ चलना है नेक्स्ट? ब्रोकन बीच। हाँ ठीक है, ब्रोकन बीच चलते हैं यहाँ से, क्योंकि जो डायमंड बीच है ना वो जो जहाँ से हमने स्कूटी हायर की थी वहाँ से बहुत पास है, तो एंड में वहाँ पे हम जाएंगे डायमंड बीच। अभी हम चलते हैं यहाँ से ब्रोकन बीच। और वन मोर अपडेट, ये जो जगह थी ओनली 1/2 आवर अवे थी जहाँ से हमने स्कूटी ली थी और जो हार्बर से उतरे थे, वहाँ से सिर्फ 1/2 घंटा दूरी पे थी क्लिंकिंग बीच। अब देखते हैं यहाँ क्लिंकिंग बीच से वो कितनी दूर है ये अपना ब्रोकन बीच। ये लड्डू जैसे हेलमेट मेरे को यहाँ भी मिल गया, तो चलो ठीक है। अब ऊपर आ गए हम पार्किंग में, यहाँ से अराउंड 9 किलोमीटर है ना, यहाँ से 9 किलोमीटर है, 24 मिनट दिखा रहा है। अब निकलते हैं यहाँ से ब्रोकन बीच की तरफ। आयो आयो, लेट्स गो। आयो मींस चलो इन इंडोनेशियन लैंग्वेज, लेट्स गो, आयो। तो इस वक्त आप देख रहे हैं नूसा पैनिदा की वादियाँ। मुझे तो ऐसी हल्की सी फीलिंग आ रही है जैसे मैं हिमाचल में बाइक चला रहा हूँ। एंड डोंट वरी इफ यू नो हाउ टू राइड बाइक, दिस वे इज नॉट डेंजरस। हाँ, अपना पैकेज बेचने वाले यहाँ पे बोलेंगे कि रोड वगैरह बहुत खराब है, ये है वो है, क्योंकि उनको पैकेज बेचना है। अगर आप स्कूटी चला सकते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आप स्कूटी पे ही सफर करें, क्योंकि गाड़ी के अंदर ना जैसे अगर किसी को मोशन सिकनेस की दिक्कत है तो उन्हें चक्कर वगैरह आ सकते हैं, क्योंकि रास्ते ना पूरे ऐसे राउंड राउंड ऐसे रास्ते बने हुए हैं। तो भैया हमें तो स्कूटी पे बहुत मजा आ रहा है, आराम से स्कूटी चला रहे हैं, एकदम फुल एंजॉय हो रहा है स्कूटी पे। और सबसे बढ़िया स्कूटी है पॉकेट फ्रेंडली, क्योंकि हमारी ये है बजट ट्रिप, तो अगर आप बजट में रहना चाहते हैं तो स्कूटी पे ही ट्रैवल करें। वादियाँ
इस वक्त 20 से 25 मिनट का सफर तय करके हम यहाँ ब्रोगन बीच पे पहुंच चुके हैं। जो टिकट है यहाँ की वो सिर्फ 5000 रुपए, जिसके अंदर पार्किंग और ये बीच का सारा इंक्लूडिंग है, तो जो होते हैं अराउंड 25 रुपए। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं कि ब्रोगन बीच कैसा है। तो देखो आप मेरे पीछे जन्नत देख सकते हो पूरी, ये देख रहे हो क्या सुंदर व्यू है यार, ये देखो। वो कहते हैं ना, असल जिंदगी वही है जिसमें उठना गिरना और घूमना फिरना लगा रहता है। तो आपने जो अभी तक देखा कि इंस्टाग्राम पे मैं सिर्फ फोटो देखी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ उसके पीछे का राज, वो फोटो अच्छी कैसे आती है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे स्पॉट बने हैं, आप यहाँ पे खड़े होके उस तरफ वहाँ पे फोटो वहाँ पे क्लिक करवा सकते हैं। तो यहाँ से जो अपने इंस्टाग्राम पे फेमस वो जो आपने देखा होगा, तो ऐसा आपका वो व्यू आ जाएगा। ये भाई साहब फोटो भी क्लिक कर रहे हैं, पर देखो कुछ ऐसा व्यू है, कितना ही सुंदर है। कोई एडिटिंग नहीं है, कोई कलर एडिटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, ये बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हम वहाँ बिल्कुल खड़े थे, अब हम यहाँ पे आ गए हैं। जो छोटा सा ट्रैक था उस ट्रैक को हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या दिखता है। तो ट्रैक करने के बाद कुछ ऐसा सा व्यू है सामने, अब देख सकते हैं कितना ही ज्यादा ब्लू पानी है। ये देखिए अगर थोड़ी बड़ी लहर आती है तो यहाँ तक पानी आ जाता है। 5 मिनट का ट्रैक करके सामने की तरफ पहुंच जाएंगे। ये आप सामने की तरफ देख रहे हैं, इस वक्त एनी मुझे दूसरी तरफ से शूट कर रही है। जैसे हम ब्रोगन बीच से निकले डायमंड बीच के लिए जाने के लिए, तो रास्ते में क्या हुआ, अचानक ही हमारी स्कूटी बंद पड़ गई और अभी ऑन नहीं हो रही है वो स्कूटी। तो हमने उनको फ़ोन कर दिया है देवा मोटर वालों को, तो वो आ रहे हैं शायद नई स्कूटी लेके आ रहे हों। तो देखते हैं क्या हुआ, ये ना मुझे पहले देखना चाहिए था, मुझे ना नई स्कूटी चूज़ करनी चाहिए थी, ये थोड़ी पुरानी वाली स्कूटी थी। तो पता नहीं अचानक वो अच्छी वाली चल रही थी, अचानक ही एकदम बंद पड़ गई। अब देखो क्या होता है, वो आ रहे हैं, 10 मिनट लगेंगे उन्हें, उनसे हम ज़्यादा दूर तो नहीं है, 10 मिनट की दूरी पे हम उनसे। वेटिंग हेयर, हाँ वेट कर रहे हैं। रंग हमारे तो पूरे टाइम भी हो चुके हैं और गर्मी इतनी है आज। नहीं, आई एम वाइट रेस्टी। ठीक है, जैसे कोई आता है मैं आपको आगे अपडेट देता हूँ कि क्या होता है।